आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। खाली बस, बस के बाहर रास्ते पर फैला घना कोहरा और अंधकार, ये तीनों ऐसी चीजें थीं जिससे कोई भी इंसान डर जाए। मुझे भी काफी डर लग रहा था, मगर मैं क्या करता, मेरी तो मजबूरी थी ऐसे सफर करने की। वरना अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसे सफर करता ही नहीं। बस उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी। बस के अलावा रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई इंसान। दरअसल मैं आज अपने दोस्त विकास के घर जा रहा हूँ, वो भी पहली बार। मैंने विकास को कहा था कि मैं कल सुबह वाली बस से आ जाऊंगा, मगर उसी ने कहा कि अगर मैं आज रात को आया तो एक रात ज्यादा उसके घर पर रह पाऊंगा, इसलिए मुझे रात वाली बस पकड़नी पड़ी। खैर, विकास और मैं कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उसके लिए इतनी तकलीफ तो बनती ही है। मैंने कंडक्टर को बोलकर रखा था कि तालघाट चौक पर मुझे उतार दे, जिसके बाद अभी चौक पर से विकास मुझे पिक कर लेगा। कुछ देर बस यूं ही चलती रही, जिसके बाद पता नहीं क्यों अचानक से मेरी आंख लगने लगी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, शायद ठंड के कारण मुझे नींद आ रही थी या फिर कुछ और। अभी मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी कंडक्टर जोर से बोला, तालघाट चौक आ गया साहब, उतरो। कंडक्टर के इतना बोलते ही बस रुकी। मैंने फटाफट से अपना सामान उतारा और बस से नीचे उतर गया। बस से नीचे उतरते ही मेरा स्वागत एक तेज ठंडी हवा के झोंके से हुआ। वो बस भी मुझे उतारकर वहां से आगे चली गई। मैंने अपने जेब से फोन निकाला और विकास को फोन लगाने जा ही रहा था कि पता चला कि मेरा फोन ऑफ हो चुका है। मेरी परेशानी एक ही झटके में पहाड़ जितनी बड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, विकास से कांटेक्ट करूं कैसे, क्योंकि विकास ने तो मुझसे यही कहा था कि तालघाट चौक पर उतरकर मुझे फोन करना, मेरा घर पास में ही है, मैं बाइक लेकर आ जाऊंगा। पर अब मैं विकास को कैसे फोन करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि उस रास्ते पर मेरे अलावा कोई शख्स नहीं था। पूरा का पूरा चौक खामोशी में डूबा हुआ था। अभी मैं वहां खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से मुझे एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। उस बाइक को देखकर मेरी जान में जान आई कि चलो अब मैं इस आदमी से उसका फोन मांग कर विकास को फोन कर सकता हूं। मगर वो बाइक जब मेरे करीब आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो बाइक सवार शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद विकास ही था। विकास ने अपनी बाइक को मेरे पास लाकर रोका और बोला, क्या हुआ, फोन क्यों नहीं किया तूने? इस पर मैंने जवाब दिया, अरे भाई मेरा फोन ऑफ हो गया था, मैं कैसे करता फोन। इस पर विकास बोला, चल कोई नहीं बैठ बाइक पर, रात काफी हो गई है। विकास के इतना कहते ही मैं उसकी बाइक पर चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही विकास ने बाइक को आगे बढ़ा लिया और हम लोग उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी की माने तो तब रात के 9:15 बज रहे थे, मगर एक चीज बड़ी अजीब थी, रास्ते पर कोई इंसान नहीं था। पर ऐसा क्यों, आखिर इतनी जल्दी ही रास्ता इतना सुनसान क्यों हो गया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक और बात मैंने अभी नोटिस की कि आखिर विकास को पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूं, मैंने तो उसे फोन किया ही नहीं।
इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और विकास से पूछा, विकास तुझे पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूं? इस पर विकास बोला, मुझे यहां आने वाली सभी बसों की टाइमिंग पता है, सब जानता हूं मैं। विकास से ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली। बाइक पर तेज ठंडी हवा मेरे बदन पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई बर्फ के गोले मार रहा हो। मुझे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं विकास से पीछे बैठा हुआ था। ज्यादा ठंड विकास को लगनी चाहिए थी, तो फिर मुझे क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा था जैसे हवा विकास के शरीर को आर पार करके सीधे मुझे लग रही हो। खैर, मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। विकास को बाइक चलाते हुए अब काफी वक्त हो चुका था, मगर अभी तक उसका घर नहीं आया था, जबकि फोन पर तो विकास ने ये कहा था कि उसका घर चौक से नजदीक पड़ता है, तो फिर अभी तक हम लोग घर क्यों नहीं पहुंचे? इसी तरह के हजारों सवाल अब धीरे धीरे मन में उमड़ने लगे थे, मगर मुझे विकास से ऐसे बार बार पूछना भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सोचा विकास का घर जब आ जाएगा तो वो मुझे खुद ही उतरने के लिए बोलेगा। मन को ये समझा कर मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। कुछ ही देर में विकास ने बाइक को एक बड़े से घर के पास रोका। वो घर काफी बड़ा था, जो कि चांद की रोशनी में मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा था। पर विकास का घर इतना बड़ा है ये मुझे उसने पहले बताया नहीं था। खैर, विकास और मैं हम दोनों घर के दरवाजे पर गए। विकास ने घर का दरवाजा सरकाया और हम लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा फैला हुआ था। घर के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी, जिस पर मैंने विकास से पूछा, लाइट नहीं है क्या यहां पर? इस पर विकास ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ शायद लाइट चली गई होगी। चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देता हूं, तू जाकर सो जा, बहुत थक गया होगा। विकास की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि मैं पहली बार उसके घर पर आया हूं। उसने ना तो मुझे खाने के लिए पूछा और ना ही मुझसे सही से बात की। विकास ऐसा तो नहीं था, तो फिर आज इसे हो क्या गया है? खैर, मैंने उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा और विकास के साथ घर के एक कमरे की तरफ जाने लगा। उस कमरे के दरवाजे तक छोड़कर ही विकास वहां से चला गया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आज विकास के साथ कुछ तो गलत हुआ है। खैर, मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पलंग लगा हुआ था और उसी पलंग के सिरहाने में एक कांच की खिड़की थी, जिससे चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। मैं उसी पलंग पर लेट गया और सफर की थकावट के चलते कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं, ना जाने कितनी देर बाद। मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर के पास वाली खिड़की में कोई बाहर से दस्तक दे रहा था। मैंने तुरंत खिड़की की ओर देखा तो पाया कि खिड़की के बाहर विकास खड़ा है और वो मुझे खिड़की खोलने के लिए बोल रहा है। मैंने तुरंत खिड़की के कांच को सरकाया तो उधर से विकास बोला, जल्दी बाहर आ, यहाँ इसी खिड़की से आ जा। चूंकि वो खिड़की काफी बड़ी थी तो मैं उसी से बाहर निकल गया। मेरे बाहर निकलते ही विकास बोला, तू यहां कैसे आया इतनी दूर? विकास की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रहा है, जिस पर मैंने कहा, तू ही तो यहां लेकर आया मुझे अपनी बाइक से। इस पर विकास बोला, तू जल्दी चल यहां से, मेरे पास कोई बाइक है ही नहीं और ये मेरा घर नहीं है,
विकास की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। खैर, मैं विकास के साथ उस घर से दूर जाने लगा। तभी रास्ते पर चलते हुए विकास ने कहा, तू जिस विकास के साथ यहाँ आया ना, वो बस एक छलावा था। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तू मारा जाता। दरअसल यहाँ बहुत सी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, उस घर में बहुत से लोग मर चुके हैं। आगे विकास ने बताया कि वो मुझे फोन करने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर मेरा फोन लग ही नहीं रहा था। विकास मुझे देखने के लिए चौक पर भी गया था, मगर मैं उसे वहां पर मिला ही नहीं। तो वो समझ गया कि मैं कहां मिलूंगा, इसलिए वो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने आ गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। विकास की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि क्यों बाइक पर मुझे काफी तेज ठंड लग रही थी और क्यों वो विकास मुझसे अजीब तरीके का बर्ताव कर रहा था। खैर, उस रात मेरी जान बच गई, यही काफी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं और कमल, हम दोनों अपने गांव से दूर हॉस्टल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। हॉस्टल में रहने की वजह से और घर से दूर होने के कारण हम बहुत कम ही घर जा पाते हैं। कभी छुट्टी मिली या फिर कभी घर में कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ तो ही जाने को मिलता है। एक बार की बात है, हॉस्टल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थी। इसका मतलब था अब हमें गांव जाने को मिलेगा, लिहाजा हम दोनों फटाफट गांव जाने की तैयारी में लग गए। हॉस्टल से हमारा गांव थोड़ा दूर था, जिसके लिए एक ट्रेन सुबह 6 बजे थी तो दूसरी शाम 6 बजे। हम लोगों ने पूरा हिसाब किताब बैठाकर देख लिया, पर अंत में निष्कर्ष यही निकला कि हमें शाम 6 बजे वाली गाड़ी पकड़नी होगी, क्योंकि इतनी सुबह उठकर ट्रेन पकड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। अगर हम शाम 6 बजे वाली गाड़ी पकड़ेंगे तो गांव पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज जाएंगे और रात में हमें स्टेशन में ही रहना होगा, क्योंकि इतनी रात गए हमारे गांव में कोई सवारी नहीं मिलती। खैर, अब जाना तो है ही। अगली शाम करीब 5:30 बजे तक हम लोग स्टेशन पहुंच गए। आधे घंटे में हमारी ट्रेन थी तो हम लोग प्लेटफॉर्म पर ही इधर उधर घूमकर हल्की फुल्की खरीदारी करने लगे। फिर जब ट्रेन आई तो हम लोग ट्रेन में सवार हो गए। लगभग लगभग अंधेरा हो चला था। ट्रेन में आम दिनों की तरह ही सामान्य भीड़ थी। खैर, हम लोगों को जहां जगह मिली हम लोग वहीं बैठ गए और फिर कुछ देर के बाद ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। हम दोनों ही काफी खुश थे, आखिर इतने दिनों के बाद अपने घर वालों से मिलने जो जा रहे थे। ट्रेन में इसी तरह बैठे बैठे 4 घंटे गुजर गए। वक्त के साथ ही साथ ट्रेन भी खाली होती जा रही थी। मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल पर उतरते जा रहे थे। मुझे और कमल, हम दोनों को ही अब काफी भूख लगने लगी थी। क्योंकि खाना तो कुछ हमारे पास था नहीं, तो हम लोगों ने ट्रेन से ही कुछ खरीद कर खा लिया। रात हर पल गहराती जा रही थी। ट्रेन भी लगभग लगभग खाली हो चली थी। इसी दौरान मैंने नजर घुमाकर कमल की तरफ देखा तो वो एक सीट पर पसरकर सो रहा था। मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती है, जिस वजह से मैं अपनी जगह पर बैठा खिड़की से बाहर देखने लगा। क्योंकि मौसम गर्मी का था तो बार बार गला सूख रहा था। मैंने अपनी पानी की बोतल को देखा तो उसका पानी खत्म हो चुका था। मुझे प्यास काफी तेज लगी थी। ऊपर से मेरी बोगी में कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था जिससे मैं पानी मांगकर पी सकूं। लिहाजा मैं अपनी बोतल लेकर सीट से उठा और चलते हुए ट्रेन के दरवाजे की तरफ जाने लगा। ये सोचकर कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकेगी तो वहां से भर लूंगा। चलते हुए मैं ट्रेन के दरवाजे पर जाकर
खड़ा हो गया। ट्रेन काफी रफ्तार से चल रही थी, ऐसा तो लग नहीं रहा था कि अभी कोई स्टेशन आने वाला है। इधर मेरी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। अभी मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा बाहर झांक ही रहा था कि तभी पीछे से एक ठंडा हाथ मेरे कंधे पर आया। मैं पीछे पलटा तो एक 6 फीट लंबा चौड़ा आदमी था। तभी उसने मुझसे कहा, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुमको पता नहीं है दरवाजे के पास खड़ा रहना असुरक्षित नहीं है, चलो जाओ अपनी जगह पर बैठो। हालांकि मैं पलटकर उस आदमी को जवाब देना चाहता था कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मगर वो आदमी इतना लंबा चौड़ा पहलवान किस्म का था कि मेरी ये बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं वापस अपनी सीट की तरफ जाने लगा। वहां से 2 कदम चलकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि पीछे अब कोई भी नहीं था। मगर इतनी जल्दी वो आदमी गया तो गया कहाँ। खैर, मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। कमल अभी भी सो ही रहा था। खैर, कुछ देर के बाद ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी, मतलब साफ था कि कोई स्टेशन आने वाला है। मैं दरवाजे की तरफ झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर जब ट्रेन रुकी तो मैं बोतल लेकर नीचे उतर गया। वो स्टेशन भी ट्रेन की तरह ही पूरा खाली था। स्टेशन का नाम था बंजरगढ़। जितना अजीब नाम, उससे भी ज्यादा अजीब वो स्टेशन दिखने में लग रहा था। खैर, मुझे तो बस वहां से पानी लेना था, लिहाजा मैं नलका ढूंढने लगा जो कि मुझसे कुछ दूरी पर ही था। मैं चलते हुए उस नलके की ओर जाने लगा। अभी मैं उस नलके की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म की दूसरी साइड एक खुली दुकान पर गई। खैर, मैं नलके से पानी भरने लगा। मैंने एक नजर घुमाकर ट्रेन की तरफ देखा तो ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना उस दुकान से कुछ खाने का ले लिया जाए, लिहाजा बोतल में पानी भरकर मैं प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड उस दुकान की तरफ जाने लगा। चलकर मैं जब उस दुकान पर पहुंचा तो पाया कि एक आदमी वहां टेबल पर बैठकर झपकियां ले रहा है। दुकान में चिप्स बिस्कुट वगैरह की पैकेटें टंगी हुई थी। खैर, मैं चलकर स्टॉल के पास पहुंचा और उस आदमी को जगाते हुए कहा, भाई साहब जरा एक चिप्स का पैकेट देना। मेरी आवाज सुनकर वो आदमी एकदम से उठा और मुझे घूरकर देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी मुझे इस तरह से घूर क्यों रहा है, जिस पर मैंने उस आदमी से दोबारा कहा, क्या हुआ, इंसान नहीं देखा क्या पहले? मेरी बात सुन वो आदमी जैसे नींद से जागा और चिप्स का एक पैकेट तोड़ते हुए बोला, इंसान तो देखा मगर काफी सालों के बाद। इतना कहकर उस आदमी ने चिप्स का पैकेट मेरे हाथों में थमा दिया। उस आदमी की बातें सुनकर अब तक तो यही लग रहा था कि ये पागल है और इससे ज्यादा बहस करना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, लिहाजा मैं चुपचाप अपने जेब से पैसे निकालकर उस आदमी को दे दिया और वापस अपनी ट्रेन की तरफ जाने लगा। अभी मैं वहां से 4 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, जो मैं पीछे पलटा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पीछे अब ना तो कोई आदमी था और ना ही कोई दुकान। मगर यह कैसे हो सकता है, आखिर इतनी जल्दी कुछ पलों में ही दुकान और आदमी दोनों कहां गायब हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मगर इतना तो समझ आ ही गया था कि दाल में कुछ काला है, लिहाजा मैं वापस आगे की ओर पलटा और ट्रेन की तरफ जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाने जा ही रहा था कि तभी ठीक मेरे सामने वही दुकानदार आकर खड़ा हो गया। उसके साथ एक और आदमी भी था। मैंने जब उसे पहचानने की कोशिश की तो ये वही आदमी था जिसने मुझे ट्रेन के दरवाजे पर डांटकर भगा दिया था। मगर अब उन दोनों का चेहरा
काफी बदला हुआ सा नजर आ रहा था। उनकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह सिर्फ दो काले काले गड्ढे थे। सिर ऊपर की तरफ से पूरा फटा हुआ था। उनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ मेरे पैंट की जेब पर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। इतने में ही ट्रेन की हॉर्न ने भी ये ऐलान कर दिया कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसके बाद मैंने ना आओ देखा ना ताओ सीधे ट्रेन की ओर दौड़ लगा दी और धीमी चल रही ट्रेन में किसी तरह चढ़ गया। कुछ ही देर में ट्रेन वहां से आगे निकल गई। मैंने कमल को उठाकर पूरी बात बता दी, पर उसे भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने जब अपने जेब में हाथ डाला तो उसमें माँ दुर्गा का एक लॉकेट था, जो मैंने ट्रेन में चढ़ने से पहले शहर के स्टेशन से खरीदा था, और शायद उसी के चलते उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।